हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में साउथ के जाने माने एक्टर प्रभास से जुड़ी एक अपडेट के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, प्रभास की फिल्म बाहुबली साउथ इंडस्ट्री में वरदान साबित हुई। फिल्म को फैंस से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और दुनिया भर में ज़बरदस्त कमाई भी की। लेकिन बाहुबली सीरीज की सफलता के बाद प्रभास के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वहीं हम आपको बताते चले तो इसके बाद जो भी फिल्में रिलीज हुई उन्होंने उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं की। तब से यह सिलसिला अब तक जारी है। बाहुबली के बाद जहां एक तरफ प्रभास ने अपनी फीस बढ़ाई, वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्मों की कमाई भी पहले जैसे नहीं रही। फिल्म राधे श्याम इसका बेहतरीन एग्जांपल है। आमतौर पर प्रभास की फिल्मों का बजट काफी ज्यादा होता है। उनकी पिछली दो फिल्मों की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक साहो का बजट 300 करोड़ और राधे श्याम का बजट 250 करोड़ रुपए था। लेकिन दोनों फिल्मों का कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। फिल्म साहो सफल तो रही लेकिन कुछ खास कमाई नहीं कर सकी। वहीं राधे श्याम की बात करें तो फिल्म का बजट 250 करोड़ से ऊपर था, जिसमें से 100 करोड़ प्रभास के फीस के तौर पर लिए थे। इसका खामियाजा राधे श्याम को भुगतना पड़ा। अब प्रभास ने अपनी फिल्मों की कमाई और फीस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आपको बताते चले तो प्रभास ने अपनी अपकमिंग फिल्म राजा डीलक्स को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फैसला किया है कि वह इस फिल्म के लिए कोई भी फीस नहीं लेंगे। अब वे फिल्म के प्रॉफिट में सिर्फ अपना हिस्सा लेंगे। अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो वह मारुति की फिल्म राजा डीलक्स को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है और नहीं चाहते हैं कि फिल्म को किसी भी तरह का नुकसान हो, इसलिए अभिनेता ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वह फिल्म के लिए एक रुपए भी नहीं लेंगे और अगर फिल्म अच्छी कमाई करती है तो वह इसमें मुनाफा लेंगे। वहीं अगर फिल्म राजा डीलक्स की बात करें तो इस फिल्म का बजट 100 करोड़ से भी कम है और अब वो प्रभास ने भी इस फिल्म के लिए अपनी मोटी फीस से हाथ धो दिया है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रभास की ये फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है। इसके अलावा प्रभास के पास और भी बड़े प्रोजेक्ट हैं जो 2023 में रिलीज होंगे। इसमें सलार और आदिपुरुष का नाम भी शामिल है। आदिपुरुष में प्रभास के साथ सैफ अली खान और कृति सेनन भी नजर आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, साउथ के जाने माने एक्टर प्रभास के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।